मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस के कार्यों की कीमत आज तक देश चुका रहा है। आखिर वो कौन से कार्य हैं, खुद बताएंगे प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मोदी जी की नजरों में, क्योंकि वो दूसरे रास्ते पे चल रही थी उनकी पार्टी उस समय, जब कांग्रेस कह रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया था 1947 में, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों की भर्ती फौज में भर्ती होने का ऐलान किया था। क्या मोदी जी आपको देश की आजादी नहीं अच्छी लगती? क्या वो कांग्रेस का काम सबसे बुरा लगता है? जहां सुई नहीं बनती थी उस हिन्दुस्तान ने कांग्रेस में हवाई जहाज बनाए, नेट भूल रहे हैं आप, विजेता टैंक भूल रहे हैं, जिसके पास खाने को अनाज नहीं था उस कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करके देश में सरप्लस खाद्यान्न दिया, जिस देश में आपने 20 जवानों की शहादत के बाद लद्दाख की उस भू पर उस जमीन की ओर आप देख भी नहीं रहे, गश्त नहीं कर सकते, जबकि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। यही काम मोदी जी आपको बुरे लगते हैं, वरना तो कांग्रेस ने 70 साल में देश को 5 बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल कर दिया था। मुझे ये भी कहा है कि एक तरफ एनडीए है जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने का काम कर रहा है और दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां, और ये भी कहा है कि मोदी झुकने वाला नहीं है, वो एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। आज एनडीए और खासतौर से भाजपा अपराधी जो आर्थिक रूप से है घोटालेबाजों की कोल्ड स्टोरेज बन गई है। यहां अगर आप ढूंढना चाहते हैं आर्थिक अपराधी, तो कोई और गवाही नहीं दूंगा, मोदी जी का भोपाल का भाषण याद कर लीजिए, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज जेल के अंदर जाएंगे, जेल के शिक्षकों को रहेंगे, ये मोदी जी ही थे, आप ही थे। चक्की पीसिंग कहा गया था, फडणवीस जी थे, और आज जिसके लिए आपने कहा था वो आदमी सिर्फ भाजपा गठबंधन में नहीं है बल्कि उस प्रदेश का वित्त मंत्री हो गया, यानी कि पूरा का पूरा आपने उसके हवाले कर दिया। ये है आपके, जितने लोग बाहर आपको भ्रष्टाचारी लगते हैं जब आपके यहां जाते हैं ईडी सीबीआई उनको सल्यूट करने लगती है, इनकम टैक्स सल्यूट करने लगता है। तो मैंने ठीक कहा, भ्रष्टाचारियों का कोल्ड स्टोरेज है भारतीय जनता पार्टी। एक ये भी कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है प्रधानमंत्री मोदी, तभी तो हाथरस हुआ, तभी तो उन्नाव हुआ। भाजपा के लोग आज जो पदाधिकारी हैं वो बलात्कारी निकले, महिलाओं का जितना ज्यादा अपमान, जित क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठा के पढ़े, महिलाओं के खिलाफ अपराध आपके शासन काल में बढ़े, ये आपका आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, और आप कह रहे हैं सर में सम्मान। अरे भाषणों से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है क्रांति करने पर, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं रिजल्ट कुछ और आता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, जो साफ तौर पर हमले कर रहे हैं। मृदुल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।